हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो है एक रिव्यू वीडियो, जिसमें मैं चैम्पियन के इंडक्शन कुकर का रिव्यू करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये ऐसे है, इसमें कुछ इसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स जो इन्होंने दे रखे हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इधर से ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, बटन कंट्रोल, 4 डिजिट LED डिस्प्ले, 3 आवर टाइमर सेटिंग, 8 कुकिंग फंक्शंस, 8 लेवल ऑफ टेम्परेचर, 100% ऑफ कॉपर और कॉयल, 1 ग्लास क्रिस्टल ग्लास। फ्रेंड्स, ये चैम्पियन कंपनी का है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये इसका मॉडल नंबर है, और इसका मैक्सिमम वॉट है 2000 वॉट। 1 ईयर वारंटी है होल प्रोडक्ट पे फ्रेंड्स। और कुछ फीचर्स यहाँ पे भी दे रखे हैं इन्होंने, स्ट्रॉन्ग फायर पावर, डिज़ाइनर ब्लैक क्रिस्टल प्लेट, बटन कंट्रोल, 3 आवर्स टाइमर सेटिंग, 8 कुकिंग फंक्शन, नो स्मोक, नो एग्जॉस्ट गैस, हाई लो हीटिंग और वोल्टेज प्रोटेक्शन। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटेल जो कि प्रोडक्ट की डिटेल है, वो ये मॉडल नंबर, वोल्टेज, इनपुट पावर एंड डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स MRP 2800 दे रखा है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मैंने नियर बाई शॉप से लिया था, तो ये मुझे 1950 रुपीज़ का दिया था, और ये इसका डिटेल दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रोडक्ट पे। फ्रेंड्स, मैं प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। मैंने ये प्रोडक्ट को अप्रॉक्सीमेट 1.5 महीना यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें यूजेज के निशान पड़े हुए हैं थोड़े। फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत अच्छा, बहुत, ये देखिए यहाँ पे वाइट लाइन, बहुत खूबसूरत, लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, मैंने एक उषा का ऑर्डर किया था, उससे तो ये लाख गुना बेटर है। वो थोड़े कम पैसे का था, 1600 का था, बट ये 1950 में उससे बेटर क्वालिटी है। फ्रेंड्स, इसके ग्लास की जो क्वालिटी है बहुत औसम है, बहुत पतला नहीं है, अच्छा खासा मोटा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल है वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से फंक्शंस दे रखे हैं। ये हॉट पॉट का है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हॉट पॉट है, फिर फ्राई है, फ्राई, बारबेक्यू एंड कॉन्क्यू, वाटर, स्टीम, सूप। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो टेम्परेचर हम सेट करते हैं वो सेल्सियस में भी हमें दिखाई देता है, ये देखिए, एंड वो वॉट में भी हमें रीडिंग यहाँ पे दिखती है। ऑन ऑफ का है, वोल्टेज का है, टाइमर का, प्लस और माइनस का। अभी मैं इसमें एक क्लिप डालने वाली हूँ वीडियो के बीच में, जिसमें मैंने कुकिंग की थी कुछ वेजिटेबल की, तो उसमें मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा वर्क कर रहा है।
तो फ्रेंड ये थी क्लिप, और अब इसका बैक पैनल मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, इसको इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि मैंने यूज़ कर रखा था इसको। फ्रेंड्स ये देखिए, इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख हो गया था, इसमें मॉडल नंबर, पावर और अगेन वही दे रखा है। फ्रेंड्स अगर मुझे इसका ऑनलाइन लिंक मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, अदरवाइज़ आप लोकल स्टोर पर इसका पता कर सकते हैं इजली। चैम्पियन के इंडक्शन अवेलेबल रहते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे चलते हैं। अभी मैं इसको प्लग इन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लग ऑन करने के बाद इसका इंडिकेटर रेडी दिखा रहा है, मतलब ये ब्लिंक लाइट। फिर मैं इसको ऑन, जब तक कि इस पर आप कोई यूटेंसिल्स नहीं रखेंगे तब तक कि ये वर्क नहीं करता है। ये भी इस पर, तो फ्रेंड्स मैंने ये कि यूटेंसिल्स ले लिया जो कि स्टील का है, बगैर इंडक्शन प्लेट के। इसमें इंडक्शन प्लेट नीचे नहीं लगी हुई है और ये नीचे से थोड़ा उठा हुआ भी है, और ये वर्क करता है इस इंडक्शन पे। बहुत से ऐसे इंडक्शन होते हैं इस पर बिना इंडक्शन प्लेट का यूटेंसिल्स वर्क नहीं करता है। ओपन कर, ऑन करके देखते हैं ये कैसे इसका फंक्शन वर्क कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1300 है, ये देखिए फ्रेंड्स ये 1300 वॉट कंज्यूम कर रहा है, बट ये 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। और ये जब मैं इसको माइनस करती हूँ तो ये 1000 वॉट कंज्यूम कर रहा है 160 डिग्री सेल्सियस, 800 वॉट एंड 113, ये ऐसे डिक्रीज होता है। और अगर आप इसमें कोई ये मेन्यू टाइप ये हॉट पॉट सेट करना, जैसे कि मैं स्टीम सेट करती हूँ, तो फ्रेंड स्टीम का इसमें ऑटोमेटिक फंक्शन दिया हुआ है कि ये 2000 वॉट पे नहीं, 1800 वॉट पे चलेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं 1800 वॉट पे चल रहा है, उसके हिसाब से चलता है। लेकिन अगर आप अपने पर्सनली अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं तो इसको ऑफ कीजिए, फिर इसे ऑन कीजिए एंड माइनस, आप 200 वॉट पे भी चला सकते हैं और 2000 वॉट पे भी चला सकते हैं। और ये टाइमर है और ये वोल्टेज है, वोल्टेज की सेटिंग के लिए। फ्रेंड्स इसका ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, पानी फ्रेंड्स बॉयल होना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा इंडक्शन है, मैं इसको 1.5 महीने से अप्रॉक्सीमेट यूज़ कर रही हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। छोटे से छोटा बर्तन इस पर चल जाता है और बड़े से बड़ा बिना इंडक्शन प्लेट का बर्तन भी चल जाता है इसमें का चैम्पियन का। मेरा पहले भी मेरे पास एक इंडक्शन था जो बहुत अच्छा वर्क करता था, वो अप्रॉक्सीमेट 4.5 ईयर चला, लेकिन उसमें कुछ ख़राबी आ गई थी और उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि मॉडल पुराना हो चुका था। इस वजह से मैंने ये न्यू मॉडल ऑर्डर किया। मैं पुराने वाली की पिक आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी। तो ये देखिए बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, इसमें बबल्स आप देख सकते हैं और स्टीम भी बहुत तेज़ी से निकल रही है। क्योंकि मेरे रूम में फ़ैन चल रहा है इसलिए स्टीम भी बहुत तेज़ी से निकल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और ये बहुत क्विकली, इसमें कम से कम 5 कप ऑफ वाटर मैंने रखा था और वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। मैं इंडक्शन को ऑफ कर देती हूँ और ये मैंने इस पे रखा हुआ था, ये देखिए। बस फ्रेंड्स इसमें नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं और प्रिकॉशन भी इसको कह सकते हैं कि सरफेस रिमेन हॉट आफ्टर यूज़ डू नॉट टच, ये प्रिकॉशन ऊपर दे रखा है। और इसका सरफेस हीट रहता है, बाकी इंडक्शंस में क्या रहता है कि उसमें आपने सामान मतलब यूटेंसिल्स हटा लिए तो वो ठंडा रहता है, कोई गर्म नहीं रहता है। चैम्पियन के सारे इंडक्शन में ये प्रिकॉशंस लिखे होते हैं और बर्तन भी हीट होता है, यहाँ पर जो प्लेस होती है बर्तन रखने की वो हीट हो जाती है तो इसलिए इसको छुआ नहीं जाता है। ये प्रिकॉशन कहिए या नेगेटिव पॉइंट कहिए, इसके अलावा मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है इसमें अभी तक।